ओ भाई, क्या मूवी है यार। इस मूवी को देखने के बाद मेरे दिमाग का भाजीपाला हो गया। यानी कि मूवी की जो लेंथ है लगभग पौने 3 घंटे की, जब इस मूवी को आप देखना शुरू करोगे तो ये मूवी आपको फर्स्ट हाफ के बाद में इतनी ज्यादा लंबी लगने लगेगी कि आप झेल ही नहीं पाओगे। अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी अच्छी नहीं है। दरअसल मूवी की शुरुआत होती है फर्स्ट पार्ट से, जो कि पूरा का पूरा रिकैप दिखाया जाता है। रिकैप दिखाने के बाद में फिर आगे की कहानी शुरू होती है, जो कि तारा सिंह होता है अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ में। अब होता क्या है कि दोस्तों, मूवी की कहानी में तारा सिंह को जो वहां की आर्मी होती है वो बॉर्डर पे उसे किसी काम से भेजती है। जब वो वहां पे जाता है तो भाई तारा सिंह गलती से लड़ते लड़ते बॉर्डर पार कर जाता है। जब वो बॉर्डर पार कर जाता है तो वहां की जो आर्मी होती है पाकिस्तानी, वो उसको उठा लेती है। अब दोस्तों, जब तारा सिंह गायब हो जाता है तो उसका जो बेटा होता है वो भाई निकल पड़ता है पाकिस्तान में अपने बाप को ढूंढने के लिए। यही जो ट्विस्ट है ना दोस्तों, उसे देखकर आपके तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये बंदा भाई इतनी आसानी से पाकिस्तान के अंदर घुस कैसे गया। वेल, आगे क्या कुछ होगा मूवी की कहानी में, ये सभी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत जिस तरीके से होगी, ये मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो आप खुद ही ये अंदाजा लगा लोगे कि आगे क्या होने वाला है। और खासकर इस मूवी का सेकंड हाफ, जब सेकंड हाफ में मूवी आगे बढ़ती है तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर आप मूवी देखने जा रहे हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पूरी मूवी देखनी ही पड़ेगी, लगभग 3 घंटे तो हमें कैसे ना कैसे करके बिताने ही पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप फर्स्ट हाफ के बाद आगे बढ़ोगे तो आप इजिली सीट छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मूवी की कहानी में आगे क्या होने वाला है। बाकी जो भाई तारा सिंह का जो लड़का है भाई, उसकी जो एक्टिंग है ना, जब वो पाकिस्तान के अंदर घुसता है और वहां पे जो वो चीजें करता है, जो उसकी लव स्टोरी शुरू होती है और कैसे कैसे वो आतंक मचाता है, तो वो जो एक्शन और उसकी एक्टिंग भाई, उसे देखने के बाद ना तो आप बस ये कहोगे कि भाई आने वाली इसकी फिल्में मैं कतई नहीं देखूंगा, क्योंकि उसकी एक्टिंग में बिल्कुल भी आपको मजा नहीं आएगा, आप उसकी परफॉर्मेंस से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। और जो वो डायलॉग आता है कि भाई मेरा बाप पे यहाँ आ गया ना, तो वो तेरे इतने चीथड़े करेगा कि बस क्या बताऊं दोस्तों मैं आपको। जब वो डायलॉग आप देखोगे ना, खैर ट्रेलर में तो आपने देख ही रखा होगा, तो आपको बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है। तो दोस्तों देखो, इस मूवी के अंदर जो सन्नी पाजी का रोल है वो बहुत ही कम दिखाया गया है, यानी कि उनके जो सीन है वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे और उनके जो एक्शन होंगे आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। और ओवरऑल अगर मैं एक लाइन में कहूं तो भाई सन्नी पाजी ने इस मूवी को अपने कंधों पे उठा के चलाया है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको दमदार लगने वाली है पहले पार्ट की तरह। बाकी मूवी की कहानी में इतना ज्यादा दम नहीं है कि आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले, आपके अंदर सस्पेंस बिल्डअप हो और आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आए और आप ये कहो कि भाई मजा आ गया एकदम कतई, क्या गदर 2 थी। तो इस तरह की जो फीलिंग है ना, वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। वेल दोस्तों, अगर आपके पास कुछ भी देखने को नहीं है और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हो। ये एक थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट मूवी तो है, और मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 5 out of 10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।